ये वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेस्ट स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से जो आने वाले टाइम में मल्टीबाइगर स्टॉक्स बनने का पोटेंशियल रखते हैं ये छह के छे ग्रोथ स्टॉक्स है और अगर आपका रिस्क कैपिटाइट हाई है और आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग में मानते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है हालांकि मैं आपके साथ यहाँ पे एक कॉशन शेयर करना चाहूंगा स्मॉल कैप्स जनरली हाई रिस्क हाई रिटर्न स्टोरीज होती है और इनमें रिस्क का कॉम्पोनेंट बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए स्मॉल कैप्स को पोर्टफोलियो में सही एलोकेशन देना अपने रिस्क के हिसाब से बहुत जरूरी है ये स्टोरी इग्नोर कर सकते हैं कभी भी स्टॉक मार्केट में सारा पैसा एक साथ मत डालिए इन्वेस्टमेंट हमेशा पीरियोडिकली कीजिए और इसके लिए एस सबसे बेस्ट रूट है पर आज के वीडियो का बेस्ट पार्ट पता है क्या है इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो ये वीडियो एंड तक तसली से देखिए ये छह स्टॉक्स की स्टोरी समझिए और इनमें से आप एक स्टॉक के लिए वोट कर सकते हो जिसका आप डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस देखना चाहते हो सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वो कंपनी का नाम मेंशन कर लीजिए वो मेरे लिए इंडिकेशन होगा कि वो स्टॉक को आपने वोट दिया है सबसे पहला स्टॉक एग्रोकेमिकल सेक्टर से है और इनका लगभग चार करोड़ का मार्केट कैप है ये कंपनी मेजरली टेक्निकल्स और फॉर्मुलेशन के बिजनेस में है और फार्मा कंपनी के लिए थोड़ा बहुत ये ए भी मैन्युफैक्चर करती है 78 परसेंट इनका रेवेन्यू टेक्निकल से आता है सरल भाषा में एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में फाइनल प्रोडक्ट में जो लगने वाला केमिकल होता है ना उसको टेक्निकल्स कहते हैं ट्वेंटी परसेंट इनका रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आता है जो मोरलेस एंड प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग आर डी फोकस है और इनके पास दो इन हाउस लेबोरेटरीज है और इसी के चलते एक हाई मार्जिन और ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स पे ये फोकस करते हैं 56 परसेंट इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और ये 25 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं इनके कस्टमर्स हैं जैसे कि सिंजेंटा यूपीएल शारदा क्रॉप कैंप एक्सेट्रा इनकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है हरदोई और लखनऊ में आने वाले पाँच सालों में उन्नीस टेक्निकल्स ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं सरल भाषा में उनके पेटेंट्स खत्म होंगे और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के लिए वो मार्केट कैप्चर करने के लिए इनफैक्ट ये अपने हरदोई वाले प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज भी बढ़ाने वाली है फ्रॉम ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड मेट्रिक टन विच इज अ बिग डेवलपमेंट और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह है इंडिया पेस्टिसाइड्स हालांकि ये एग्रोकेमिकल सेक्टर में ना कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होते हैं जैसे कि सीजनॉलिटी मानसून काउंटरफिट प्रोडक्ट्स चाइना से रॉ मटेरियल का सोर्स करना इसके अलावा ये कंपनी को भी कुछ स्पेसिफिक रिस्क है सबसे पहले तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बायो पेस्टिसाइड्स का एक बढ़ता ट्रेंड है क्योंकि ये लेस हार्मफुल और लेस टॉक्सिक होते हैं पर ये कंपनी बायो पेस्टिसाइड्स के बिजनेस में नहीं है दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो ये कंपनी केटर नहीं करती इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का भी बहुत बड़ा थ्रेट है इंडस्ट्री को क्योंकि ये थोड़े से ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल क्रॉप्स इनफैक्ट इंडिया पेस्टिसाइड्स का 19 परसेंट रेवेन्यू सिर्फ एक कस्टमर से आता है तो यहां पे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत बड़ा रिस्क है और किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए यह सारा रिस्क उसके ध्यान में होना बहुत जरूरी है हालांकि ये कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये दोनों चालीस से ज्यादा है अट्ठाईस के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और पिछले तीन सालों में ये कंपनी ने 60 परसेंट की सी से पैट ग्रोथ दिखाई है करंटली इंडिया पेस्टिसाइड थर्टी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के अराउंड ट्रेड हो रही है वहीं उसे मैं कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ तो पी आई इंडस्ट्रीज सिक्सटी फाइव के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के अराउंड है सुमितोमो केमिकल्स सिक्सटी फोर के प्राइस अर्निंग के मल्टीपल के अराउंड है तो वैल्यूएशन फ्रंट पे भी ये कंपनी थोड़ी सी कंफर्टेबली प्लेस्ड है इंडिया पेस्टिसाइड्स का आईपीओ भी बहुत रिसेंटली आया था और अगर आपने ये आईपीओ में अप्लाई किया था

पिछले साल ये कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हंड्रेड एंड वन परसेंट रहा है तो दोस्तों ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि ये कंपनी के प्रोडक्ट से क्लियरली मार्केट में डिमांड है और कैपेसिटी एक्सपांशन एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप है किसी भी सीमेंट कंपनी के लिए एनर्जी और पावर की जरूरत बहुत होती है और ये बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है उनकी बुक्स पे और ये कंपनी इसी कॉस्ट के रिडक्शन पे भी बहुत फोकस करती है और इसी कॉस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए इनके पास कैप्टिव पावर प्लांट्स है मतलब खुद के पावर प्लांट्स सिर्फ इतना ही नहीं ये वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स का भी सहारा लेते हैं बेसिकली जो हीट जनरेट होती है ना उसको एनर्जी के लिए रीयूज करते हैं इनफैक्ट ये साल इनकी एडिशनल कैपेसिटीज भी कमीशन होगी वेस्ट हिट रिकवरी सिस्टम्स की जिसके चलते ये कंपनी को एडिशनल कॉस्ट सेविंग होगी ऑपरेशनली ये कंपनी के रियलाइजेशन भी इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 4017 पर पर टन टन टू 4556 इनका फोर थाउजेंड से मोरलेस पिछले कुछ सालों में डबल हुआ है फ्रॉम फोर हंड्रेड एंड थर्टी वन पर टन टू नाइन हंड्रेड एंड इलेवन पर टन इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो क्लियर कट बेनिफिशियर गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हाउसिंग फॉर हॉल ऐसे इनिशियटिविह महीनों में यानी की कोविड वाले साल ये कंपनी ने सेवेंटी फोर परसेंट की प्रॉफिट ग्रोथ आठ परसेंट की सेल्स ग्रोथ दिखाई है विच इज अ फेमिनल नंबर ये कंपनी के आर ओई और आर ओसी ट्वेंटी टू परसेंट के अराउंड है इनफेक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट ट्वेंटी परसेंट है करंटली ये कंपनी 19 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के अराउंड ट्रेड हो रही है वहीं मैं इनके कंपटीशन से कंपेयर करूं तो अंबुजा सीमेंट 28 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के अराउंड है अल्ट्राटेक सीमेंट 39 के पीई मल्टीपल पे है हालांकि ये कंपनी को कैपेक्स का बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट होना भी बहुत जरूरी है और वो केपेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए शायद इनके बुक्स पे डेड भी आ सकती है और इसी डेट के चलते हो सकता है कि शॉर्ट रन में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करे सीमेंट इंडस्ट्री में पेट कोक रॉ मटेरियल का, का काम करता है और इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन का भी ये सेक्टर को रिस्क है हैविंग सेड लॉन्ग टर्म के लिए इनकी स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग साउंड कर रही है और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है जेके लक्ष्मी सीमेंट हमारे आने वाले सेक्शन में हम कवर करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है हमारी तीसरी कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये एक प्रसिशन इंजीनियरिंग के स्पेस में काम करती है ये वो कॉम्पोनेट्स और असेंबलीज बनाती है जिसमें बहुत ही बारीकता या सटीकता लगती है तो ये सुपर स्पेशलाइज स्किल है और उतना इजिली रेप्लीकेट नहीं कर सकते और यही चीज ये कंपनी का इकोनॉमिक मोट है इकोनॉमिक मोट सरल भाषा में वो चीज होती है जो एक स्टॉक या कंपनी को एक एडवांटेज देती है अपने कंपटीशन के ऊपर और ये केस में इनकी एक्सपर्टीज प्रिस इंजीनियरिंग में इनके इकोनॉमिक मोट का काम करती है डिफेंस क्लीन एनर्जी न्यूक्लियर एंड स्पेस प्रोजेक्ट्स ये सेक्टर्स में ये कंपनी ऑपरेट करती है और ये कंपनी उन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ये स्टॉक क्लियर बेनिफिशियरी है जैसे कि आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया एक्सेट्रा इनफैक्ट ये स्टॉक के फाइनेंशियल्स भी बहुत स्ट्रांग है थर्टीन का रिटर्न ऑन इक्विटी उन्नीस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थर्टी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले तीन साल में ये कंपनी ने 100 परसेंट के सी से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यह है एम टी आर टेक्नोलॉजी इनफैक्ट मार्च में आईपीओ के दौरान ये स्टॉक का हमने डिटेल में एनालिसिस भी किया है उसकी लिंक में नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ वो भी जरूर देखिएगा अभी तक हमने तीन स्मॉल कैप स्टोरीज कवर की है और अगर आप इन तीन स्टॉक्स में से किसी का भी एनालिसिस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में वो स्टॉक के लिए वोट करना बिल्कुल मत भूलना आगे बढ़ने से पहले एक एनालिसिस यह भी तरह का नहीं है सो प्लीज योर फाइनेंशियल हमारी स्मॉल कैप कंपनी है जो फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है 80 परसेंट ये कंपनी का रेवेन्यू एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट या एपीआई के बिजनेस से आता है जो मेन केमिकल होता है दवाइयों में 11 परसेंट इनका रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आता है जो मोरलेस

तो अगर आने वाले टाइम में ये फार्मा कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये कंपनी तो उसकी क्लियर बेनिफिशियरी होगी इनफैक्ट ये कंपनी ने अपनी कैपेसिटीज भी पिछले छह सालों में तीन गुना से बढ़ाई है फ्रॉम मिलियन मिलियन टन टन पर पर एनम एनम इन इन टू एपीआई और फार्मा इंडस्ट्री में कैपेसिटी एक्सपांड करना उतना आसान नहीं होता इसके लिए बहुत ज्यादा जिस्टेशन पीरियड और एक्सपर्टीज लगती है और इसी के चलते एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है कॉम्पिटिटर्स के लिए और इसी के चलते ये एक इकोनॉमिक का मोड का काम करता है यह कंपनी के लिए इनफैक्ट ये स्टॉक के फाइनेंशियल भी बहुत है 34 से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पेग इसका पॉइंट सेवन टू है यह स्टॉक दस परसेंट का फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है इन्वेस्टेड कैपिटल पे पिछले तीन सालों में यह कंपनी की सेल्स ट्वेंटी के सी से बढ़ी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स

हाई वोल्टेज केबल मैन्युफैक्चरर है और इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स की ग्रोथ से जैसे कि ऑयल एंड गैस रेलवेज पावर सीमेंट इनके पांच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है पंद्रह से ज्यादा बीटोबी कस्टमर्स और सोलह से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है इनफैक्ट इनका कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत लो है टॉप टेन कस्टमर सिर्फ ट्वेंटी थ्री परसेंट रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं विच इज अ पॉजिटिव साइन तो ओवरऑल ये एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है दोस्तों इनफैक्ट आने वाले सालों में ये कंपनी फोकस करने वाली है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के बिजनेस पे समथिंग सिमिलर टू पॉलीकैब और ये स्टॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है के इंडस्ट्रीज पिछले तीन सालों में के इंडस्ट्रीज ने ट्वेंटी फोर परसेंट के सी से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है हालांकि पिछले बारह महीनों में ये कंपनी ने अपनी सेल्स परफॉर्मेंस में डिप दिखाई है पर इसको हम कोविड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं

जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल गुड्स के सेगमेंट में काम करती है सरल भाषा में फैंस लाइटिंग होम अप्लायसेज स्विच गेयर ये प्रोडक्ट्स में ये डील करती है पर जो फैक्टर इसको अपने कॉम्पिटिशन से अलग करता है वो ये है कि ये फोकस करती है स्मार्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे फॉर एग्जाम्पल फैंस विथ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट्स कम फ्लिकर होने वाली एलईडी लाइट्स जो आंखों के लिए लेस हार्मफुल होती है आईओटी टी एनेबल्ड वाटर हीटर तो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे ये फोकस करती है दोस्तों पचास परसेंट का इनका प्रीमियम फैन का मार्केट शेयर है और सिक्सटी रेवेन्यू इनका फैन से आता है किसी भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी के लिए ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये कंपनी अपनी सेल्स का टू पॉइंट नाइन परसेंट सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे डेडिकेट करती है विच इज वेरी पॉजिटिव टू सी फाइनेंशियली इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय थर्टी फाइव परसेंट के अराउंड है

तो ये स्टॉक के लिए वोट करना मत भूलना दोस्तों तो अगर आपको ये स्मॉल कैप मल्टीपैगर्स का वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसके बाद आपको दस मिड कैप मल्टीबैगर्स या तीन ए स्टॉक्स इनका वीडियो देखना चाहिए आपको वो भी पसंद आएगा